जनरल रावत ने दी चीन को सीधी धमकी, बोखलाए ड्रैगन ने कुछ कह दिया ऐसा। एलएसी पर भारत ने जारी किया रेड अलर्ट, खतरनाक हथियारों ने डाला डेरा। अब चीन को रोकने के लिए ब्रिटेन में बनेगा ताबीज, चीन की दादागिरी के अंत के लिए G7 में बनेगी खतरनाक प्लानिंग। दोस्तों, भारत अब वे देश नहीं रहा जो चीन दादागिरी करता रहेगा और हमारा देश चुपचाप चीन की करतूत को सहता रहेगा। अब मामला पूरा इसके उल्टा हो चुका है, तभी तो चीन भारत के सामने पूरी तरह से टूट चुका है। क्योंकि एक तरफ जहां युद्ध में अभी चीन को भारत से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, वैसे भी अब भारतीय सेना के साथ सरकार भी खड़ी है, जिसमें राजनाथ सिंह ने तो पिछले दिनों तीनों सेनाओं को शॉर्ट नोटिस पर तैयार रहने के लिए कहा था। तो वहीं चीन को भारतीय बाजार से भी हाथ धोने का खतरा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है, परंतु दोनों देशों के बीच व्यापार भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एलएसी पर बढ़ते तनाव के बीच और लगातार 13वें दौर तक की सैन्य वार्ता विफल होने के बाद अब भारत की ओर से बड़ा कदम उठा लिया गया है, और यही वजह है कि एलएसी पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और सीमा पर भारी मात्रा में हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जनरल रावत ने चीन को खुली धमकी दे दी है, पर इस धमकी के बाद चीन अपना आपा खो चुका है, चीन बिदक गया है और कुछ भी अनाप शनाप पकड़ा है। आपको याद है तो जनरल बिपिन रावत ने चीन के लिए कह दिया था कि वे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, भारत का दुश्मन नंबर एक चीन है। रावत की चीन को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताने वाली कथित टिप्पणी पर अब चीन ने भारत के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, और इसके लिए चीन के रक्षा मंत्रालय के सरकारी पिट्टू ने जानकारी दी है। चीनी रक्षा मंत्रालय में एक प्रवक्ता कर्नल लू कियान ने पेइचिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारतीय अधिकारी बिना किसी कारण के तथाकथित चीनी सैन्य खतरे पर अटकलें लगाते हैं, जो दोनों देशों के नेताओं के रणनीति के मार्गदर्शन का गंभीर उल्लंघन है कि चीन और भारत एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। इसके अलावा चीन के सरकारी पिट्ठू ने भोंकते हुए कहा कि भू राजनीतिक टकराव को भड़काना गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक है। अब चीन के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए विवरण के अनुसार कर्नल वू हाल ही में जनरल रावत की कथित टिप्पणियों पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें कहा गया था कि भारत के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा चीन है। वही भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में भरोसे की कमी है और संदेह बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद चीन को बड़ी मिर्ची लगी है। कर्नल वू ने कहा, हम इस टिप्पणी का कड़ा विरोध करते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारतीय पक्ष के सामने कड़ा एतराज जताते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि विरोध कब दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट और जाहिर है। चीनी सीमा रक्षा के बल राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा सीमा क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तनाव घटाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही चीन यह भी जानता है कि गलवान हिंसा के बाद जिस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया, इसके बाद एलएसी पर जिस प्रकार की कठोरता भारत ने दिखाई है, चीन के सामने चीन की बौखलाहट साफ जाहिर है। वैसे अब बिपिन रावत ने जिस प्रकार से पहले भी चीन को दुश्मन नंबर एक बताया था और देश की सुरक्षा के लिए अब सबसे बड़ा खतरा बता दिया है, इससे यह साफ संकेत मिलता है कि एलएसी पर कुछ भी सामान्य नहीं है और लगातार खतरनाक हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लद्दाख में पिछले साल मई में गतिरोध तब शुरू हुआ जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पेंगोंग झील और अन्य क्षेत्रों में अपने सैनिकों को गोलबंद किया। पिछले साल 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक टकराव के बाद तनाव काफी बढ़ गया। तब से तनाव घटाने और विवाद क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर की कई वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन जून 2020 से पहले वाली स्थिति अभी बहाल नहीं हो पाई है। अब चीन की तबाही के लिए ब्रिटेन में होगा बड़ा ऐलान, G7 के साथ आसियान देशों का चलेगा चीन पर हंटर। दोस्तों, चीन किस कदर आगे बढ़ रहा है, सभी देशों के लिए खतरा पैदा हो गया है। इसी कड़ी में अब चीन के पर को कुचलने के लिए ब्रिटेन में बड़ी प्लानिंग पर काम शुरू हो गया है। दरअसल ब्रिटेन की मेजबानी में अगले महीने आयोजित होने वाली G7 की बैठक में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन के सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह का देश है। यह बैठक लिवरपूल में 10 से 12 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली है। ब्रिटेन ने इसमें आसियान सदस्य देश मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया है। कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक की थी। ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रूस ने पुष्टि करते हुए बताया कि अगले महीने होने वाली G7 की बैठक में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया।
किया है। हालांकि उन्होंने म्यांमार के शामिल होने पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। आसियान के सदस्य देश चीन के पड़ोस में स्थित है। इनमें से अधिकतर आपको बता दूं कि चीन के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं। अब अमेरिका और ब्रिटेन इसी चीज का फायदा उठाकर इन देशों को अपने खेमे में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी देश स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और सभी देशों की राष्ट्रीय पहचान के लिए पारस्परिक सम्मान की नीति अपनाए हुए हैं, जबकि चीन पूरे दक्षिणी चीन सागर को अपना इलाका बताता है। अगर ये देश अमेरिका और ब्रिटेन के प्रति अपना समर्थन को बढ़ाता है तो इस क्षेत्र में चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आसियान एशिया पैसिफिक क्षेत्र में व्यापार, राजनीति और सुरक्षा के मुद्दे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसके लिए इसके सदस्य देशों की कुल जनसंख्या भारत और चीन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, आसियान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार भी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका का बाजार भी आसियान से छोटा है। इसकी अर्थव्यवस्था एशिया में तीसरी और विश्व में छठे स्थान पर है। निवेश को लेकर आसियान वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा लोकप्रिय देश है। ऐसे में इन देशों से अमेरिका और ब्रिटेन को बड़ा बाजार भी मिल सकता है। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन एशिया में चीन को घेरने की कोशिश में जुट गए हैं। चीन का लगभग सभी आसियान सदस्य देशों के साथ विवाद है। अब कुछ दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सफाई देते हुए कहा था कि चीन का इरादा दक्षिणी पूर्व एशिया का वर्चस्व कायम करने का नहीं है। इसके बावजूद चीनी सेना लगातार आक्रामक कार्रवाई को जारी रखे हुए है। यही कारण है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने दक्षिणी चीन सागर और आसपास के इलाकों में अपनी नौसैनिक उपस्थिति को भी बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और चीन के बढ़ते आक्रामक रुख से एशिया में काफी तनाव देखा जा रहा है। दक्षिणी चीन सागर, हिंद महासागर, जापान सागर, प्रशांत महासागर में चीन की गतिविधियों से अमेरिका और ब्रिटेन की चिंता बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ चीन लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। उसने हाल ही में फिलीपींस की नौसेना को खदेड़ा और लाओस में से नौसैनिक बेस को तैयार कर लिया है। चीनी सेना हिंद महासागर में भी अपनी पनडुब्बियों को तैनात करे हुए है। साथ ही अमेरिका और चीन ताइवान को लेकर आमने सामने हैं। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के शिखर सम्मेलन के दौरान भी ताइवान का मुद्दा प्रमुखता से उठा था। इस पर जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान उनके देश का अभिन्न अंग है और इस पर कोई भी समझौता नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि चीन के युवाओं से लेकर सभी उम्र के लोगों का सपना ताइवान को अपने देश में मिलाने का है। वे शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे ताइवान को अपने देश में मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। आपको बता दें कि दोस्तों G7 दुनिया की 7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले समूहों का देश है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल है। इसकी पहली शिखर बैठक 1975 में हुई थी। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।